हाय दोस्तों, मेरा नाम है इलियास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिवर्सल हाइड्रोलिक। आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर के बारे में। वैसे तो इसके बारे में सभी लोग जानते हैं इसका क्या वर्क होता है, फिर भी थोड़ा आज इसको चेंज करने के बारे में जान लेते हैं किस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं आसानी से और हमें प्रॉब्लम भी ना आए। अक्सर क्या होता है, जैसे हमारा पंप आवाज़ ज़्यादा करने लगता है तो उसमें क्या होता है, इसके ऊपर डस्ट आ जाती है और वो तेल अंदर नहीं जाने देती डस्ट, और पंप हमारा उसको खींचने के लिए कोशिश करता है तो पंप की जो वैन है वो आवाज़ करने लगती है, तो आवाज़ ज़्यादा बढ़ जाती है मशीन के अंदर। तो उसमें हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं इसको। तो वैसे तो ये ज़्यादा महंगा नहीं होता, 300 साढ़े 300 रुपये का होता है, 500 रुपये का हद से हद। आप इसको नया ही डाल लें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्लीन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि फ़िल्टर तो किसी भी चीज़ का हो वो रिप्लेस ही कर दे, मतलब बदल देना चाहिए। तो मैं इसको बताता हूँ किस तरीके से इसको चेंज करें, आप थोड़ी सी ध्यान रखें। दोस्तों एक पंप है और पंप में मैंने ये क्या कहूँ, मैं एक पाइप इसमें पहले लगाया हुआ है, तो इसमें यहाँ पर हमारा फ़िल्टर लगा हुआ होता है, ठीक है नहीं? तो इस तरीके से फ़िल्टर लगा हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं कि फ़िल्टर को यहीं से इसको खोल के इस तरीके से, पहली बात तो फ़िल्टर को यहाँ से पकड़ना चाहिए इसके हैक्स द्वारा, ठीक है नहीं, हैक्स द्वारा। पर फिर भी लोग बात क्या करते हैं कि इसके यहाँ से पकड़ के खोला और इसे निकाल लिया, उस कंडीशन में क्या होगा, जो ऑयल के अंदर बॉटम में कचरा होता है, फ़िल्टर हमारा बाहर निकालते ही तो इसके अंदर कचरा चला जाता है। कचरा जाने के बाद में फिर हमने फ़िल्टर को क्लीन करा या नया डाला और हमने फिर इसको लगा दिया, तो उसमें क्या होगा, जो कचरा अंदर चला गया वो पंप के द्वारा हमारे डायरेक्शन वाल्व में चला जाएगा और वो डायरेक्शन वाल्व में हमारे क्या में फिर वो काम करना बंद कर देते हैं। फिर हम कभी इस वाल्व को खोल कभी उस वाल्व को खोल हम परेशानी रहते हैं, फिर बस यही आता है कि फ़िल्टर बदला तो और दिक्कतें प्रॉब्लम सामने आ गई। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको करना क्या है, इसके यहाँ पर जो चार ये बोल्ट होते हैं पंप के अंदर, आपको फ़िल्टर को लगे रहने देना है और ये चार बोल्ट आपको खोल लेने हैं। फ़िल्टर का फ्लैंज बोलते हैं हम इसको, जो फिल्टर का फ्लैंज होता है उसे खोल लेना है। ये चार बोल्ट हम इसके खोल लेंगे, इसको खोलने के बाद ये बाहर आ गया, इसमें एक रिंग भी होता रबड़ का, इसका भी आप ध्यान रखना है तेल में ना गिर जाए। इसको खोलने के बाद में अब हम अपने फिल्टर को खोल सकते हैं, इसको खोल लिया हमने। खोलने के बाद में इसको जो भी हमें क्लीन करना है क्या इसको चेंज करना है, वैसे दोस्तों एक बात बता दूँ कि इसको क्लीन करने का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, इसको चेंज करने में फ़ायदा है। मान लो आपके वाल के अंदर कचरा चला जाए या कोई बात, तो उसमें इससे भी ज़्यादा का नुकसान हो जाएगा, तो इसको जो है ना हम चेंज कर लेंगे। ये मैक्सिमम 500 रुपये की लिमिट में आता है, इससे ज़्यादा का शायद ये नहीं आता, इसमें 500 साढ़े 500 का ही आता है, इससे ज़्यादा का नहीं आता, ठीक है ना दोस्तों। अब हमने इसको फ़िल्टर को दूसरा फ़िल्टर लिया और हमने इसके अंदर लगाया, इसको यहाँ से टाइट करेंगे हम, फाइनली यहाँ से टाइट करा हमने इसको। अभी तो मैं आपको खाली एक वीडियो बनाने में ये दिखा रहा हूँ, हमें इसको जो है ना सही तरीके से टाइट करना है। और दोस्तों पंप के अंदर विशेष ध्यान ये रखना है कि जो हमारा ये फ्लैंज के अंदर जो यहाँ से खींचा हुआ है, यहाँ से ये एयर ना ले, ये एयर ना ले, अगर जो एयर लेगा तो हमारा पंप आवाज़ करेगा और तेल बार बार इसका क्या कहते हैं ना ड्रॉप हो जाएगा, जब भी आप मशीन स्टार्ट करेंगे तो आपको जो है ना पंप को तेल उठाने में परेशानी होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसको फिल्टर को लगाने के बाद वापसी इसको आप लगा दीजिए, फ़िल्टर को ऑयल के अंदर कभी मत खोलना, इसको बाहर निकाल कर ही खोलना,
क्योंकि ये जो तेल पहुंचाता है फिल्टर, ये माइक्रोन लेवल तक फिल्टर करके हमारी मशीन को ऑयल पहुंचाता है। और मान लो हमने तेल के अंदर इसको खोल दिया तो उसके अंदर डस्ट कचरा चला जाता है। फिर इसके बाद में हमारा रिलीफ वाल, डायरेक्शन वाल, कभी रिलीफ वाल स्टक हो गया, कभी डायरेक्शन वाल हो गया, तो कहीं ना कहीं कचरा वो परेशान करता रहेगा। मान लो कि कभी कभी तो देखा गया कि हफ्ता भर लग जाता है कि मशीन जाना रोटेशन पे ही नहीं आ पाती। तो दोस्तों, मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट में बताना, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं अगर जो मुझसे कुछ गलती हो रही है तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।